हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन कन्या राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा दैनिक राशिफल, दैनिक दिनचर्या किस प्रकार वृद्धि होने वाला है, कुछ बड़ी नाकामी को भी कामयाबी में किस प्रकार से आप सभी बदलने के योग को बरसा सकते हैं। तो दोस्तों, दिन कैसा रहेगा, किन प्रकार के परिस्थितियों से कन्या राशि के जातकों को लड़ने की शक्ति प्रदान की जाएंगी, तो आपके जीवन के हर प्रकार के सपनों को भी आसानी से पूर्ण कर सकोगे। बहुत ही बड़ी परिस्थितियों को मुकाबला से बहुत बढ़िया से कर सकोगे। कई प्रकार की परिस्थितियां जो हैं आपके रूबरू हो सकते हैं। आज के दिन आप सभी के लिए कैसा होगा, किन चीजों से वृद्धि होगा, किन प्रकार के ग्रह गोचर आपके जीवन में कुछ बड़ी चुनौतियों को देने का कार्य कर रहा है, किन चीजों से वृद्धि होगा, किन प्रकार की चीजों से आप लोगों के लिए समय व्यतीत फलदायक किस प्रकार से होने वाला है, और किन प्रकार के संकटों, किन प्रकार के पीड़ाओं से आप सभी को किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है, आप सभी को बताएंगे कि जिन चीजों से आप लोगों को सावधान सतर्क व संभलकर रहने की जरूरत होंगे। आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है, आपका लकी नंबर लकी कलर का रहेगा, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभ कर योजनाओं को बनाना आप सभी के लिए किस प्रकार से शुभ और गात रहेंगे, आपको बताएंगे आज आपको कौन सा वह महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप तक देना होगा और किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता होगा, आपके आर्थिक तंग भी किस प्रकार से खत्म होंगे, तो किस प्रकार से विशेष बड़े खुशखबरी की प्राप्ति दे सकते हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज सब इस वीडियो को पूरे से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चलिए परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने के साथ साथ आपको जीवन में परिस्थितियों से आपको बहुत ही बड़ा सकमुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखा गए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए कहेंगे जातकों के लिए व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त रखने का समय होगा, ठहराव और स्थिरताओं पर जोर देना होगा, आर्थिक पक्ष प्रबंध ही बना रहेगा, रूटीन बनाए रखेंगे, कामकाज में आकस्मिक गतिविधियां बढ़ रह सकती हैं, धैर्य से काम करें, परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें, पैसों पर रहें, आप सभी जातकों के लिए आध्यात्मिकताओं पर बल देने वाला होगा, टेम भावना से कार्य करेंगे, लाभ और प्रभाव बेहतर बना रहेगा, सूझबूझ संकल्प के सूझबूझ के हासिल लक्ष्य भी हासिल कर सकोगे, आप कुरुबारी प्रयास कर सकोगे, बन सकेंगे, इच्छित कार्यों को पूरक गति से स्थिरताओं से प्राप्त हो सकेगा, लाभ हो सकेगा, लाभ उठा सकोगे, जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास कर सकोगे, महत्वपूर्ण कार्यों में जल्दबाजी दिखा सकते हैं, सतर्कताएं और परिश्रम बनाए रख सकते हैं, वजनीय कार्यों को सहजताओं से पूरा कर सकोगे, आज पैसों पर प्रस्ताव मिल सकेंगे, पूर्व की योजनाएं गति लेंगे, अवसरों को भुनाए, लाभ सामान्य होगा, फोकस रख सकते हैं, जो जातक कुछ मेहनत ना करते हैं और उस जातक को सफलता मिलती है तो कर्म के अनुसार ही होगा, क्योंकि आज कुछ बड़ी बातों को जानना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, कुछ बड़ी चीजों से वृद्धि होने का आपका मौका बन सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन बहुत ही बढ़िया है, आपके सपनों को पूरी करने के योजना बना सकता है, आज के दिन नकारात्मकताएं ग्रह वाली माध्यम अपनों को चोट पहुंचा सकते हैं, आज से कोशिश करें कि आप कम से कम बात ऑफिशियल कार्यों के लिए ही दिन ऊर्जावान रहने वाला है, यदि आप किसी भी मिशन पर हैं तो उसे पाने में सफल होंगे, कारोबार में धन संपत्ति कार्य करने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं तो होना चाहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, बच्चे छोटे छोटे भाषाएं और संस्कार का आज पाठ माता पिता के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, वर्तमान समय का लाभ उठाते हुए अपने शादी के समय व्यतीत करने होंगे, बहन को किसी सामान की जरूरत हो तो उन्हें नाराज न करें, आज के दिन शांत रहना होगा, जिनसे आप कई चीज़ों को प्लान करने में सफल होंगे, ऑफिस का महत्वपूर्ण डाटा यदि आपके पास है तो उसे बहुत ही संभाल कर रख सकेंगे, ऑफिशियल टूर या का मौका भी मिलता है तो आपको अवश्य ही ले जाना होगा, व्यापारियों का कोई भी रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है, विद्यार्थियों को वर्ग टीचर और वरिष्ठों का सम्मान जो है सम्मान कर सकते हैं, अन्यथा उनके क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, सेहत में कान से साउंड परेशानियों के प्रति आपको सचेत रहना होगा, घर में नकारात्मकता
चिंताएं संक्रात्मकताएं माहौल रहेगा। उन मित्रों से संपर्कों को बनाए रखना होगा जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। आज के दिन काफी बेहतर हैं, काफी कुछ चीजों से सीखने का जिज्ञासा बचेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा तो वही दूसरी ओर गुरु के संगत में रहना अच्छा होगा। मीडिया से जुड़े हुए लोगों को कार्य में अधिकताएं देखने को मिल सकती हैं। ऑफिस में आने से यदि मन मुताबिक कार्य न करें तो परेशान या क्रोध करने के बजाय अपने एक बार करने लेने चाहिए और व्यापार में अच्छी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों की केयर कर सकते हैं, जिनसे खास तौर से चांग की देखभाल करने हो सकती है। घर परिवार की कुछ बातों का आपको ध्यान रखना हो सकता है। काफी कुछ चीजों से जिज्ञासा को जगाने का कार्य हो सकता है। माता रानी की कृपा से पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतर हो सकता है। कार्य क्षेत्र से संतुलित पड़े कार्य पूरे होंगे, मन प्रसन्नताएं रहेंगी, व्यापार में नई दिशा मिलेंगी, व्यापार में लाभ होगा, अग्रसर रहेंगे। घर पर मेहमानों के आने की संभावना है, बच्चों के साथ उत्तम समय व्यतीत कर सकोगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखीमय चलता रहेगा। काफी कुछ चीजों से वृद्धि करने के संयुक्ताएं परिवार पर बना रहेगा। आज कार्य व्यवस्थाएं रहेंगे, व्यापार में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना होंगे, शत्रु पक्ष से बचकर रहने होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने होंगे। दिमाग काफी विचलित रहेगा, थकावट महसूस होने से असहज महसूस करेंगे। आध्यात्मिकताओं तरफ से ध्यान ज्यादा रहेगा, आकर्षक होगा, दिमाग ठंडा रहेगा, क्योंकि चीजों से काफी कुछ करने का मौका जिज्ञासा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी बात का किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें। सहकर्मियों से बात करते समय वाणी पर संयम रखें, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। आपको पैसों को व्यापार को सही दिशा में लेने की आवश्यकताएं होंगे। कुछ अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, आज कुछ खास मित्रों से मिलना हो सकता है, कुछ बातों का ध्यान रखना हो सकता है। काफी चीजों से जीवन साथी का साथ मिल सकता है। आज कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होंगे, व्यापार में लाभ प्राप्ति होगा, आप उत्साहित रहेंगे, व्यापार के विस्तार के बारे में विचार कर सकेंगे। आज के दिन रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है। जीवन साथी के साथ आज आप सभी संबंध को बेहतर कर सकते हैं। जीवन साथी से उपहार मिलने की आज के दिन आप सभी को मन प्रसन्नताओं से भूल रह सकता है। काफी पूरी होंगे, काफी चीजों से आपको वृद्धि करने का मौका मिलेगा। काफी बड़ी कामयाबी को प्राप्त करने की जिज्ञासा जीवन में आपका जाग सकता है। जो भी कार्य आपके रुके पड़े हैं, आपके वह कार्य जो है पूरे करने का मौका दे सकता है। कुछ बड़ी चीजों को हानि में बदल सकते हैं। और आपको बता दें, कुछ बड़ी कामयाबी को प्राप्ति हो सकती है, कुछ राशियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, कुछ चीजों का ध्यान रखना हो सकता है। कन्याश्रेष्ठल से जुड़े हुए कार्य आप अपने हिसाब किताब के साथ कर सकते हैं। आज के दिन हैं आप लोगों के लिए सारी खुशियां मिलेंगी। आज के दिन आप लोगों के लिए चंद्रमा पूरे ही दिन आपके साथ विराजमान होंगे, जहां केतु के साथ ग्रह होने वाला है, जबकि आप सभी के लिए गज केसरी योग का निर्माण होगा। आपके जीवन में खुशियों को प्राप्ति होगा। आप सभी इस राशि वालों को आज के दिन आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा और चंद्रमा के होने से मानसिक रूप से कुछ उलझने आज के दिन हो सकते हैं। हालांकि इस राशि के कुछ जातकों कुछ लोगों को आज अचानक से धन लाभ मिलने की संभावना होंगे। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा, भाग्य का साथ मिल रहा है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। इस राशि की महिलाएं आज के दिन की दिन त्यौहार मनाने के लिए अपने बड़े भाई बहनों से घर बुला सकती हैं या फिर मायके जा सकती हैं। कारोबारियों को लाभ हो सकता है, दिन काफी बेहतर है। कन्या राशि के जातकों को जीवन में हर प्रकार के खुशियों को देने का कार्य कर रहा है।